नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। और सीधी सी बात करते हैं आज कि आपको लमसम करना चाहिए अभी या उसके बाद में करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो देखिए, जो कल का सिनेरियो है या हमने जो पिछले दो तीन चार सेशन से इसकी स्टडी करके आपसे डिस्कस करा हुआ है, उस समय मैं आपको बताऊं कि लमसम और SIP दोनों एक दूसरे के अपोजक है। अपोजक समझ रहे हो, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, SIP में हमारे पास कई सारे चांसेस ये होते हैं। सीधी सी मैं बात बताऊं कि उसको हम सस्ते में भी खरीद सकते हैं, महंगे में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट यहां से अप जाएगी या डाउन जाएगी। हाँ, थोड़ा सा लोग अंदाजा जरूर लगा लेते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा लोग बोलते हैं यहाँ पर कंपाउंडिंग फलाना ढमकाना ये वो, लेकिन जुगानी टॉक्स में जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी स्टडी है, वो मैं इसको, जैसे सीधी सी बात है, मैं इसको नेवर अवेलेबल वैल्यू बोलता हूं, लेकिन आज मैं इसके एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन से आपको वहां से लेकर के चलना चाहूंगा, वो आपको वहां पर जाकर के वैल्यू मतलब समझ में आएगी। जैसे अब नेवर अवेलेबल वैल्यू तो ठीक हो गई, ये तो अपना मतलब जो है, हाँ हमें रोज NAV दिखती नहीं है। आपको मिलती क्या है जब आप अपना पैसा आज की डेट में लमसम करते हो या SIP होने के दो तीन दिन के बाद में जो आपकी NAV आती है, उसको कहा जाता है नेट असेट वैल्यू। मतलब कोई असेट है उसकी एक्यूरेट वैल्यू, उसकी नेट वैल्यू उसकी क्या है, वो उसका कहा जाता है ना, नाम से क्लियर है ना। तो फिर यहां पर CAGR का, फिर यहां पर ये, फिर वहां पर वो, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू आंकी जाती है। क्या आंकी जाती है? वैल्यू आंकी जाती है। जिस प्रकार से किसी भी प्रेसिस मेटल की वैल्यू आंकी जाती है, उसी प्रकार से जो आपके फंड में शेयर्स हैं उनका एक एवरेज आउट करके जिस परसेंटेज में आपके फंड मैनेजर ने उसको एलोकेट किया हुआ है, उसके बाद में उसका आज की डेट का रेट क्या पड़ रहा है, उसकी वैल्यूएशन आकी जाती है। यही होता है मार्केट का फेनोमेना। शेयर का, इंडिविजुअल शेयर का नापा जाता है, आपके म्यूचुअल फंड में NAV के रूप में नापा जाता है। अब यहां पर 100% का जो प्रश्न उठता है, 100% का प्रश्न ये उठता है कि आखिर में वो वैल्यूएशन आकी क्यों जाती है। तो आप बताइए, उसकी वैल्यूएशन अगर नहीं आकी जाएगी तो उसका क्या आका जाएगा? दो ही सिनेरियो बनते हैं। क्या बनते हैं? ओनली टू सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि जब तक या तो मार्केट में इनफ्लो आ रहा है, जिस प्रकार से 22-23 हजार का आज के टाइम पर आपका SIP के थ्रू इनफ्लो आ रहा है, वो अगर जब तक आता रहेगा, रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तब तक आपकी मार्केट की वैल्यू गिरने नहीं पाएगी। क्यों? जैसे ही गिरने वाली होगी वहां पर फ्रेश पैसा लग जाएगा, जैसे ही गिरने वाली होगी वहां पर फ्रेश पैसा निकल जाएगा। चाहे प्रॉफिट बुकिंग करे कौन? आपके DIIs वाले करें। चाहे प्रॉफिट बुकिंग करे कौन? आपके FIIs वाले करें। जो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वहां पर आपका फंड मैनेजर क्या करेगा? पोजीशन बना लेगा। क्लियर है आपको? आपका फंड मैनेजर तब तक खरीद फरोख्त नहीं करता है जब तक उसको मार्केट में कुछ सिनेरियोज ऐसे ना दिखाई दे, या वहां पर इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपने रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट ना डाले, तब तक फंड मैनेजर उसको कोशिश करता है उसकी फेरबदल को ना करें। हाँ, उसको देखता है, अगर उसको दिखता है ये पर्टिकुलर शेयर परफॉर्म नहीं करने वाला है, पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ नहीं होने वाली है, तो वहां पर जाकर के उसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ने वाली है, तब वो वहां से अपने एलोकेशन को चेंज करता है। या पर्टिकुलर सेक्टर जब वो जानता है कि ये सेक्टर अभी डाउन की तरफ जाने वाला है, तो वो किसी दूसरे सेक्टर में जहां पे उसको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, वहां पर आपका फंड मैनेजर फिर दांव लगाता है। तो अब आप बात समझ गए, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। जब आपका फंड मैनेजर उस स्टेप को ले रहा है, तो दूसरा जो सिनेरियो है, एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया जब तक इनफ्लो आ रहा है, दूसरे सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि देखो भाई, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का क्या उद्देश्य होता है भाई? उसका उद्देश्य यही होता है कि वो अपने प्रोडक्शन को, जो भी उसका आइटम है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उसके सेल को बढ़ाएगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, तब जाकर के आपका काम होगा। मींस क्या है कि उसकी वैल्यूएशन तभी तो बढ़ेगी, उसकी वैल्यूएशन इनफ्लो के पैसे से नहीं बढ़ने वाली है। उसकी वैल्यूएशन इनफ्लो के पैसे को जो बढ़ने वाली है, वो एक शॉर्ट टाइम की बढ़ोतरी है। लॉन्ग टाइम के बढ़ोतरी के लिए उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपने सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी क्या होगी? रेवेन्यू जनरेट होगी। वो रेवेन्यू जब जनरेट होगी, जब उसका शेयर बटेगा, तब जाकर के एक्चुअल माने में माना जाता है कि यस, यहां पर अब जाकर के ग्रोथ हो रही है, यहां पर अब जाकर के वैल्यूएशन हो रही है। और ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं। तो अब
कहां पर संशय रह गया, कहां पर संदेह रह गया। रही बात जो आज का सब्जेक्ट है कि भाई हम अभी लमसम करें या करेक्शन का वेट करें, तो देखो दोस्त, लमसम एक ऐसा फेनोमेना है कि जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो 4 या 5 जून को आपने अपॉर्चुनिटी लिया है, उसके बाद में आपने जुलाई अगस्त में अपॉर्चुनिटी लिया है, उसके बाद में छोटा छोटा माइनर माइनर सा करेक्शन आया है, वहां पे मैंने आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं दिया है। क्यों नहीं कॉल दिया है? क्योंकि जब मार्केट की अनसर्टेनिटी हो ना, अनसर्टेनिटी हो तो वहां पर आपको थोड़े से ग्रोथ में उतावला नहीं होना है, वहां पर फोमो का शिकार नहीं होना है। इससे हमें पता है आने वाले समय में इससे द बेस्ट हमें मौका मिलेगा। एक चीज देखिएगा, आने वाले समय में इससे हमें बढ़िया मौका मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ऐसी हमें क्या, ऐसे सिनेरियोज बोल रहे हैं कि ऐसी उम्मीद है। अब रही बात, आप कल का ही देख लो भाई, कल का एग्जांपल ले लो, फ्रेश एग्जांपल ले लो, क्योंकि हमारी याददाश्त तो होती है कमजोर आम जनता की, ठीक है। तो अब वो कल की बात को जो है 4 दिन बाद में भूल जाएंगे। अब कल अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है तो लोगों की 11 बजे के बाद में क्यों खुली है, क्यों खुली है? 2 दिन पहले उन्होंने उन सिनेरियोज को क्यों नहीं चेता था? तब तो बोले थे रेट कट हो जाएगा तो बूस्ट अप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी हाइक के चांसेस हैं, लेकिन ये हाइक क्या होगा? ये हाइक होगा टेम्परेरी, ये हाइक कोई परमानेंट नहीं होगा। जब तक बाकी सारे इश्यूज हैं वो क्लियर नहीं हो जाएंगे। अब वो इश्यूज 2 ही चीजों से क्लियर होंगे, या तो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो जब ये मार्केट या तो उसको क्या करे, इस झटके को झेल जाए इसके बहाव में, और उसके बाद में क्या हो जाए, उसका ट्रैक पर आ जाए। बात मेरी समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो तसल्ली से उसको पूछ लेना। क्यों? क्योंकि जो आपका गाड़ी कमाई का पैसा है, एक झटके में अब इस लेवल पे अगर डाल दोगे, जैसे अभी कल 25,600 कुछ के आंकड़े को टच किया आपके निफ्टी ने, अब मतलब ये समझ लो कि कल की डेट में निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है। कल की डेट में आपके सेंसेक्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर पिटाई हुई है, पिटाई बाद में सबकी दिखी है, लेकिन शुरू शुरू में तो बनाया है ना। तो मींस क्या है कि अब इसकी अगर वैल्यूएशन लेते हो तो मैं वैल्यूएशन में मान लेता हूं हाई। अब लोग यहां पर ही बात करेंगे वैल्यूएशन हाई है, लेकिन रिटर्न के मामले में वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहां पर जब तक हम उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारे दिल में हमेशा उफो की स्थिति बनी रहेगी। और जुगानी टॉक्स का उद्देश्य यही है कि आपको जो बेसिक थियरी है ना, वो थियरी को समझाना, प्लस आपने कब किस समय अपने फंड को एलोकेट करना है वो आपको बताना। अब जिसने 72,000 पे 4 जून वाले उस पे जब मैंने चिल्ला चिल्ला कर काल दिया था उस समय कर दिया है, अभी जब 78,000-77,000 का करेक्शन आया था, आई थिंक जुलाई में आया था, जुलाई में आया था मेरे ख्याल से, तो जब ये अपना बजट वाला इशू हुआ था, तो बजट वाला जब जो है टैक्सेशन वाला हुआ था, उस दिन भी मैंने चिल्ला चिल्ला काल दिया था। उस समय जो 77-78,000 के सेंसेक्स पे जिसने अगर पोजिशन बना ली है तो वहां तक अब करेक्शन में, तो भैया डीप करेक्शन चाहिए ना, हाँ? अब डीप करेक्शन चाहिए तो वहां पर अभी आप जो है वेट करें, वहां तक नहीं जाएगी तो 81,000-82,000 पर तो मेरे को, हमें तो ऑलरेडी जो मिल जाएगा, 85,000 भी जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों ऐसी जल्दीबाजी करनी है आखिर में? क्यों ऐसी जल्दीबाजी? आपका पैसा कहीं आपको अपना जो काटे तो नहीं जा रहा ना? अगर मान लिया आपको है, बहुत लोगों को होता है कि मेरे पास पैसा रहने से मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे से खर्च हो जाता है, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप सीधे एसटीपी स्टार्ट कर दो भाई, पार्ट पार्ट करके एसटीपी स्टार्ट कर दो। अब एक बार आप राइज में खरीदेंगे, एक बार डिप में खरीदेंगे, एक बार राइज में खरीदेंगे, एक बार थोड़ा सा करेक्शन में खरीदेंगे, तो जो आसिलेशन के जैसे चलता है ना, ऐसे आपको बताया ना मार्केट ऐसे चलती है पेंडुलम के जैसे, एक केवल साइकिल लो फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, मेरे पास समझ लो, हाथ दिख रहा है ना, ये और ये, मन तो करता है यार एक बोर्ड ले लूं उस पे समझाया करूं, लेकिन अभी नहीं, छोड़ दो। तो उसमें मतलब जो काफी ज्यादा होगा, जो अपना टाइम वेस्ट होगा और हर वीडियो मतलब जो है उसका नहीं होता। तो जब वहां पर जाएगी, इस वाले फेज में जाएगी ना, इस वाले फेज में, तो कभी कभी देखना आसिलेशन के जैसे वहीं पर ही कंसोलिडेट करती है मार्केट आपकी, और वो द बेस्ट टाइम होता है कि आपके एसटीपी से पैसा जाएगा, वहां पर चला, यहां आया, फिर यहां से गया, वहां गया, वहां से गया, फिर यहां आया।
अब आपने वहां खरीद लिया, फिर लमसम करने का मन करेगा, फोमो वहां भी होगा, वहां जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि भाई लमसम का जब तक आपको काल ना दी जाए, तब काल मतलब मैं ही नहीं, काल बहुत सारे जो छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे मीन्स जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनका कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं होता, अपना जो है सरोकार नहीं होता कि हाँ उसने किसी से अपनी अपनी सांठ गांठ कर ली हो, वो आपको एक्यूरेट एक्चुअली राय देते हैं। या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, या तो अगर आप वो आपको दे रहा है सलाह दे रहा है कि यस भाई करेक्शन हो गया, थोड़ा लमसम कर दो, वहां पे लमसम करना उचित है। अभी लमसम का मेरे ख्याल से समय ये नहीं है। यहां पर या तो आप एसटीपी का सहारा लो, या तो आप एसआईपी का सहारा लो, नंबर एक। नंबर दो, वैल्यूएशन का ध्यान रखो, ठीक है ना। मार्केट में हमेशा वैल्यूएशन का ध्यान रखो, वैल्यूएशन इन द सेंस, अगर आपको फिर अभी वैल्यूएशन आपके ऊपर से जाने लगेगी, एक बार मैंने समझाया था, मेरे को लग रहा है 3-4 महीने पहले मैंने सोने का एग्जांपल दिया था कि यार देखो, दिया था ना आप लोगों को याद है, जो अभी अभी नए व्यूअर्स हैं एक बार सुन लो, क्योंकि अभी बात हो रही वैल्यूएशन की। तो सोने को अगर 73,000 से लेकर के अगर 63,000 पे आज सोना मिलने लगे, जैसे अभी तो सोना क्या है थोड़ा सा भागेगा, तो 63,000 पे अगर हमें सोना मिलने लगे तो आप क्या बोलोगे बताओ। कोई भी नात, कोई भी रिश्तेदार, बीवी, माँ, भाई, सब बोलेंगे ठीक है ले लो, क्योंकि उनको पता है यार अब ये 73 तो टच करेगा, 73 से आगे भी जाएगा। लेकिन मार्केट में हम लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम ये सोचते नहीं कि वो कहीं ना कहीं किसी असेट में पैसा लगा हुआ है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी तभी जाकर के हमारा ये बढ़ेगा। और उस पर सोने का सुहागा क्या है कि उसमें आपका पैसा कंटिन्यूअस आ। अब कल की डेट में सोने का रेट क्यों भागा है, परसों मैंने ये बात मेरे ख्याल से परसों या नरसों पहले बता दिया था, हमने बता दिया था ना कि अभी पैसा किधर जाए, आप लोग देख लीजिएगा, परसों नरसों ये बात बता दिया था कि अभी लोगों को लग रहा है कि जब यहां से रेट कट शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उनके गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट से जहां पर उनको 5.5-6% का ब्याज मिल रहा था, वहां से ब्याज में जो है कटौती हो गई, अब 4.5 से लेकर के जो है 5.25 मिलेगा उनको, तो अब वहां से पैसा निकलना शुरू होगा भाई बहुत लोगों का। यहां तक कि आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भैया एलन मस्क साहब ने भी, उन्होंने भी अपने पैसे को क्या किया था, अपने शेयर्स को बेच करके उसके बाद में यहां डाल दिया था। बात मेरी समझ रहे हैं? अब आप ये सोचिए, उतना भारी भरकम आदमी ने अगर पैसा निकाल करके अमेरिका की उस मार्केट में यहां पर ब्याज दर बढ़ने वाली है वहां पर उसने पैसा डाला था, वॉरेन बफेट साहब ने क्या अपना पैसा ऐसे रखा होगा? नहीं ना, उन्होंने भी तो कहीं ऐसे डाला होगा, आपको उस दिन बताया था ना। तो इन सारी सिनेरियोज को जब तक आप इसको थोड़ा सा, आपको मंथन करने की जरूरत नहीं, आप खाली जुमाई टॉक से जुड़े रहो, जुमाई टॉक से आपका चचू खोलता रहेगा। तो अब ये निकल करके दूसरे एसेट्स में जाएगा। अब दूसरे एसेट्स कौन से हो गए? या तो गोल्ड में जाएगा, या फिर अमेरिकन मार्केट के अलावा, अमेरिकन मार्केट में भी लग सकता है, उसके बाद में इमर्जिंग मार्केट की तरफ जिसमें इंडिया का प्रमुख नाम है वहां पर जाएगा। अब आप बोलोगे यार कैसी बात करो भैया मेरे, अभी कल तो उन्होंने बेचा है FII ने। अरे भाई FII ने बेचा है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो फिर आकर के पोजीशन बना लेंगे जैसे उनको पोजीशन मिलेगी, उनके पास भारी भरकम पैसा है भाई, भारी भरकम पैसा लगाते हैं, भारी भरकम पैसा बेच लेते हैं। आपके जैसे 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 1 करोड़ वाले नहीं है वो, हजारों करोड़ वाले हैं वो, समझ रहे हैं? तो उनकी बराबरी हमने नहीं करनी है। और मैं सही बता रहा हूं, जिस हिसाब से रिटेलर पार्टिसिपेट कर रहा है ना, मिश्री वाला हार रिटेलर उनको देगा, मिश्री रिटेलर ऐसे लेकर के जाएगा, चीटे वहां पर खड़े खड़े देखते रहेंगे। अभी तो वो सिनेरियो बन रहा है, अभी उनको पोजीशन बनाना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर। लेकिन क्या है कि अगर भाई वहां पर रिसेशन आएगा, वहां पर मंदी आएगी, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, आपको मैंने बताया था 28 ट्रिलियन डॉलर तो खाली इनका किसमें है, आपका पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड का, और 50 ट्रिलियन डॉलर तो इनका मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है। तो यार अब इतना बड़ा अगर जिसका पार्टिसिपेशन है, जिसका योगदान है, तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो यार सबके ऊपर फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। अब ज्यादा क्या बोलते हैं अपना देशभक्त यहां पर होने की जरूरत नहीं है। देशभक्त मतलब वहां पर हम नुकसान उठा जाएंगे, देशभक्त मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देशभक्त उस टाइप का देशभक्त नहीं होना है कि झंडा ले लिया, झंडा ले करके हाँ इंडिया, हाँ इंडिया,
अरे इंडिया को सस्टेन करने के लिए भाई उसमें करो ना, सहयोग करो ना। अब ये थोड़े हो गया कि इंडिया इंडिया करके उसके बाद में आप उसको जो है अगले को अपना अपना कम करके आंक लो। कभी भी अपनी अकल दूसरे का पैसा ज्यादा लगता है भाई साहब, कभी भी दूसरे के पैसे को कम नहीं आंकना चाहिए और अपनी अकल का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो समझ में आएगा। बाकी लमसम के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है तो आप करो, लेकिन वही है साल 8 साल जब फंस जाओगे तो मामला फिर गड़बड़ होगा। इसलिए अभी रुको, थोड़ा सा रुको, इलेक्शन का सीन आने दो, एकाध क्वार्टर अभी चलने दो। और रही बात की रिसेशन की, रिसेशन का यार जब तक दो क्वार्टर तक नेगेटिव में जीडीपी नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे कभी और। अभी करते हैं यहीं पर स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद में अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बताइएगा। घर की खेती है, फिर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद समझाया जाएगा, डिफरेंट एग्जाम्पल समझाया जाए, लेकिन मेन बात क्या है, मेन एम क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको हर बात आपके पल्ले पर बदनी चाहिए। ये उद्देश्य है जुमाई टॉक्स का, ताकि आप अपने काढ़ी कमाई को वैल्यूएबल जगह पर इन्वेस्ट करके और उससे अच्छी वैल्यू प्राप्त करें, यही मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद मैं और क्या बोलूं, थैंक यू वेरी